अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। आप ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, जो यहाँ पर नॉमिनेटर में नंबर है यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे और नीचे भी एक फॉर्मूला बनाएंगे। ये फॉर्मूला बनेगा कैसे ज़रा वो ऑब्जर्व कीजिएगा। ऊपर हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये कि x का स्क्वायर तो पहले से मौजूद है और 1 का स्क्वायर मैं खुद से लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर के अंदर भी हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं, वो बनेगा x का स्क्वायर तो एज इट आ जाएगा, जबकि यहाँ पे प्लस 2 और x वैसे ही, और साथ में जो 1 है 1 को हम खुद से 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन सके। उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे जो अगले दो नंबर है उनको वैसे ही लिख लेते हैं, ये आएगा एक्स प्लस 5 और 1 माइनस एक्स, ये वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देंगे, यानी कि ये आएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर, सेंटर में 2 है और ए है लेकिन बी नहीं है, तो हम वो खुद से लिख लेते हैं, यानी कि 1 हमने खुद से लगा लिया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप बात ऑब्जर्व करें, ये x प्लस 5 तो हम वैसे ही लिखेंगे लेकिन नीचे से हम नेगेटिव कॉमन निकाल सकते हैं, नेगेटिव को कॉमन निकालेंगे बाकी आएगा x माइनस 1। देखिएगा नेगेटिव का x था वो नेगेटिव को कॉमन निकालने के बाद पॉजिटिव बन गया, उसको पहले लिख लिया, और 1 पॉजिटिव का था वो नेगेटिव का बना, नेगेटिव का वो हम लोगों ने लास्ट पे सेकंड पे लिख लिया। अब यहाँ पर नीचे x प्लस 1 की दो टर्म्स हैं, एक टर्म ऊपर से एक टर्म से कट हो जाएगी और यहाँ से ये वाली एक टर्म इस टर्म से कट हो जाएगी और बाकी जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। ये नेगेटिव बचा है, मैं इसको पहले नेगेटिव को लिख लेता हूँ। उसके बाद ऊपर नॉमिनेटर में बचा है x प्लस 5 और डिनोमिनेटर में एक टर्म बची है x प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं।